मोटो ने हर एक प्राइस सेगमेंट में अच्छा अच्छा फोन को लॉन्च करता है और आपको तो पता ही इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है मोटोरोला एज सीरीज। मोटोरोला एज सीरीज में एक नया फोन 3 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होगा जिसका नाम है मोटोरोला एज 50 प्रो। आज इस वीडियो में इस फोन के 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसी के साथ इसका प्राइस कितना होगा उसका भी एक आइडिया देने वाला हूं। आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, इस चैनल में इसकी एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग वीडियो मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसकी लुक्स के बारे में। ये फोन टोटल 3 कलर में और 2 वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। एक फोन की बैक पैनल में ग्लास बैक रहेगा और 2 फोन में पीछे की तरफ वीगन लेदर रहेगा। मोटोरोला का कलर चॉइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सारी फोन का जो फ्रेम है ना वो मेटल का रहने वाला है। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ एक LED फ्लैश लाइट और इसकी बिल्ड क्वालिटी को बेहतरीन करने के लिए IP68 का रेटिंग भी है। कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है। डिस्प्ले का साइज भी बड़ा रखा है 6.7 इंच और डिस्प्ले में ढेर सारी फीचर्स रहेगा। 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एक QOLED पैनल है और इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है। YouTube पर आप 4K में HDR वीडियो स्मूथली देख सकते हो और कर्व डिस्प्ले में कॉन्टेंट देखने का जो मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसमें 2000 nits की पिक ब्राइटनेस है, फोन को आप आराम से आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर सकते हो और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसका स्पीड आपको फर्स्ट मिलेगा। बाकी परफॉर्मेंस इसका बहुत ही तगड़ा रहने वाला है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन की तरफ से एक नया चिपसेट मिलेगा, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट जो कि 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है और एक फ्लैगशिप फोन होगा भाई, क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा 12GB रैम 256GB स्टोरेज से। LPDDR5X का रैम होगा और EOFS 4.0 का स्टोरेज टाइप है। तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो धांसू रहने वाला है। अगर आप तगड़ा लेवल की गेमिंग करते हो या फोन को हेवी में यूज करते हो, मल्टीपल ऐप में काम करते हो या एडिटिंग का काम करते हो, ये जो फोन है आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। बाकी ये फोन एंड्रॉइड 14 में रन होगा और इसमें क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड की एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ब्लूटूथ और UI में बग्स नहीं मिलेगा, एक स्मूथ UI मिलने वाला है मोटोरोला की तरफ से। बात रही इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में, इसमें सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स का सपोर्ट होगा। इस फोन में गूगल की डायलर होगा, आप कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे लेकिन अनाउंसमेंट सुनाई देगा। इसमें जो माइक रहेगा वो नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिलिंग कर लेगा। इसमें आप SD कार्ड को यूज नहीं कर पाओगे, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है लेकिन इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इस बार मोटोरोला ने कैमरा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने वाला है क्योंकि इस फोन में जो सारा कैमरा रहेगा सभी कैमरा 50 मेगापिक्सल है, क्योंकि पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा रहेगा, प्राइमरी कैमरा में OIS है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और इसका सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है। तो मोटोरोला कैमरा में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा है, स्किन टोन की कलर को और लाइट को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। तो इसका जो कैमरा होगा ना भाई फ्लैगशिप लेवल की कैमरा होने वाला है क्योंकि इस फोन से आप DSLR जैसा फोटो क्लिक कर सकते हो। वेल इसमें 4500 mAh की बैटरी है और इनबॉक्स आता है 125W की एडाप्टर। फोन बहुत ही जल्दी चार्ज होगा, चार्जिंग के दौरान हल्का सा गर्म हो सकता है लेकिन इसका बैटरी बैकअप सुपर मिलेगा क्योंकि इसमें जो चिपसेट है वो पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो नॉर्मल यूज में सारे दिन का बैटरी बैकअप निकाल कर देगा मोटोरोला एज 50 प्रो। तो ये तो था कंफर्म स्पेसिफिकेशन मोटोरोला एज 50 प्रो का। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इस फोन में जो सारा स्पेसिफिकेशन है सभी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन है और मुझे लग रहा है इसका प्राइस 45,000 rupees से लेकर 50,000 rupees के अंदर होगा। आपको क्या लग रहा है इसका प्राइस कितना होना चाहिए? अगर इससे ज्यादा होगा तो ओवर प्राइस होगा कि नहीं? और इस फोन का कौन सा स्पेसिफिकेशन आपको सबसे अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा इसका एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग वीडियो इसी चैनल में आपको मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों ये तो था पूरी इन्फॉर्मेशन मोटोरोला एज 50 प्रो का। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सके तो ये वीडियो आपके रिश्तेदार और दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, उसको भी पता चलेगा मोटोरोला ने एक फ्लैगशिप फोन को लॉन्च कर रहा है वो भी 50,000 rupees के अंदर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।